अभी हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा के लिए हमें शवासन में लेटना होगा। आंखें बंद हों, शवासन में संपूर्ण रिलैक्स अवस्था में लेट जाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1 फुट का अंतर, दोनों पैर एक दूसरे से अलग, चारों ओर से बुद्धि को समेट के एकाग्र करें। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट स्थित हूँ अपने फोरहेड के बीच में। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यह शरीर मेरा एक कॉस्ट्यूम है। संपूर्ण डिटैच हो जाएं इस शरीर से। अभी बुद्धि रूपी नेत्र के सामने अनुभव करेंगे परम धाम में शिव परमात्मा, ज्योति स्वरूप, शांति के सागर। उनसे शांति की किरणें सारे विश्व में निरंतर फैल रही हैं। अभी अनुभव करेंगे शिव ज्योति स्वरूप से शांति की किरणों का एक फाउंटेन मुझ आत्मा में निरंतर समाते जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शांत स्वरूप में स्थित हूँ। मुझ आत्मा से यह शांति का प्रकाश धीरे धीरे मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है और मेरे संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर रहा है। एक एक ऑर्गन को दें। ऊपर ब्रेन, धीरे धीरे फेस, नेक, आँखों में यह शांति की किरणें समाती जा रही हैं। धीरे धीरे यह किरणें मेरे शोल्डर्स, हाथ, चेस्ट, बाइसेप्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, एक एक ऑर्गन, जैसे जैसे ये किरणें समाती जा रही हैं वैसे वैसे संपूर्ण रिलैक्स और शिथिल होते जा रहे हैं। नीचे किडनीज, दोनों पैर, नीचे पैरों की उंगलियां, संपूर्ण शरीर तक ये किरणों को महसूस करें। मेरा संपूर्ण शरीर रिलैक्स, शिथिल हो चुका है, संपूर्ण बोझ मुक्त। ढीला छोड़ दें शरीर को। यह शांति की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में फैल चुकी हैं। जैसे कि यह शरीर संपूर्ण लाइट हो गया है, अब मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में, अपने फरिश्ता स्वरूप में संपूर्ण बोझ मुक्त अवस्था। अब हम परमात्मा को दिन भर में जो भी गलतियां हुई हों, जो भी परिस्थितियां, जो भी बातें, सुख दुख, सब उन्हें समर्पण कर रहे हैं। उन्हें समर्पण करके रिलैक्स हो जाएं। सारे दिन में जो भी बातें हुई हों, जिन आत्माओं को हमने जाने अनजाने दुख दिया हो, मन ही मन मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। और जिन आत्माओं ने हमें दुख दिया हो, हम उन्हें क्षमा कर दें, माफ कर दें। मैं अब संपूर्ण फ्री हो चुका हूँ। सबका कल्याण हो। मैं बस एक लाइट का शरीर हूँ, संपूर्ण मुक्त। मैं शिव परमात्मा को संपूर्ण समर्पण
इसी अवस्था में मैं संपूर्ण एकाग्र हूँ, संपूर्ण रिलैक्स, संपूर्ण शांत हूँ।